दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं यामा R15 V4 के बारे में, और यहां पर अभी सभी कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैट ग्रे कलर मिल जाता है फ्रेंड्स यामा R15 में, और रेसिंग रेड मिल जाता है, रेसिंग ब्लू मिल जाता है, और ग्ले ऑल ग्रे कलर आपको देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस रिव्यू माइलेज फीचर्स सारी डिटेल्स देंगे इस वीडियो में, तो बने रहना वीडियो में अंत तक। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमने यामा R15 का रेड कलर बाहर निकाल लिया है और स्पेशल इस बाइक का रिव्यू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रंट में मिल जाता है फ्रेंड्स आपको अप साइड डाउन सस्पेंशन टेलीस्कोपिक, और आपको इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है। टायर की अगर बात की जाए तो टायर साइज आपको यहाँ पे 100x80 का टायर साइज देखने को मिलता है। 17 इंच का आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाता है। बाकी R15 वर्जन 4.0 का यहाँ पे आपको स्टिकर में लोगो देखने को मिलता है। बाई फंक्शनल हेडलैम्प प्रोजेक्टर देखने को मिलता है और मिरर कंसोल मिलता है फ्रेंड्स आपको। फुली डिजिटल स्मार्ट एक्स कनेक्ट का फीचर्स इसमें ऐड कर दिया है। साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का भी फीचर्स देखने को मिल जाता है। सीट की बात की जाए तो स्वीट में कंपनी सीट प्रोवाइड करती है, और इस बाइक में आपको केवल सेल्फ स्टार्ट मिलता है, क्योंकि स्टार्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। 6 स्पीड गियरबॉक्स का सेटअप देखने को मिलता है। टॉप स्पीड की अगर बात की जाए तो प्रति एक घंटा में फ्रेंड्स 130 किलोमीटर ये बाइक अचीव कर लेती है स्पीड। बाकी R15 का आपको एलो व्हील्स में लोगो देखने को मिलता है येलो कलर में। इंजन की स्विच मिल जाता है, 4 इंडिकेटर का स्विच, सेल्फ स्टार्ट, पासिंग स्विच, लॉबी में हाई बीम टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी अगर बात की जाए तो 2 लीटर के अप्रॉक्स में आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। बाकी रियर में अगर बात की जाए तो 140x70 का आपको यहाँ पे रियर में टायर साइज देखने को मिलता है। 17 इंच का आपको सेम अलॉय व्हील्स देखने को मिलता है। बैकलाइट मिलता है फ्रेंड्स आपको फुल्ली LED का। बाकी लोगो डिज़ाइन आप देख सकते हैं अलॉय व्हील्स का, सबसे अलग ही लेवल का आपको यहाँ पे लोगो डिज़ाइन देखने को मिलता है अलॉय व्हील्स का। रियर में अगर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो वो आपको मोनोशॉक का एब्जॉर्बर सिंगल सस्पेंशन देखने को मिलता है। बाकी टेल लैंप वगैरह में आपको यहाँ पे येलो कलर का ग्राफिक्स देखने को मिलता है रेड कलर में, और टैंक में आपको फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लैक कलर का एक पैड मिल जाता है, जिससे लुक और भी इनहेंस निकल के आता है बाइक का। बाकी हैंडल बार की अगर लुक की बात की जाए तो, और इस बाइक में फ्रेंड्स आपको इंजन कॉल मिलता है। इंजन कॉल में आपको यामा की ब्रांडिंग और कुछ इस प्रकार से आपको लुक और डिज़ाइन देखने को मिलता है जो कि आपके सामने है। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लें इस बाइक के माइलेज के बारे में, तो अराउंड 40 का माइलेज ये बाइक निकाल लेती है प्रत्येक लीटर में, और बाकी लुक और डिज़ाइन आपके सामने। आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लुक और डिज़ाइन कैसा लग रहा है, और आप माइलेज के बारे में क्या कहना चाहेंगे यामा R15 को लेकर, क्योंकि ये स्पोर्ट बाइक है। नेकेड स्पोर्ट बाइक में आपको माइलेज मिनिमम वही 35 से 40 के अप्रोक्स में आपको माइलेज देखने को मिलता है। मैक्सिमम आपको 50 का एवरेज देखने को मिलता है, इससे ज़्यादा आपको माइलेज नहीं मिलता है। जितनी भी स्पोर्ट बाइक यानी 150 cc से आप ऊपर बाइक लेते हैं तो आपको माइलेज इतना ही देखने को मिलता है। और यहीं पर बात कर लें दोस्तों इसके प्राइसिंग को लेकर, तो हमारे यहाँ अराउंड इसका प्राइस है ऑन रोड शोरूम प्राइस की अगर बात की जाए तो 2,15,000 के अप्रॉक्स में इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है। आपके यहाँ पर दोस्तों ऐसा क्या प्राइस है, यदि आपको मालूम है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही बाइक इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बाइकर SRJ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम में हमें फॉलो भी कर लीजिएगा। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे चैनल में आप विजिट कर सकते हैं। आपको सभी कंपनी की बाइक का रिव्यू वीडियोज़ देखने को मिलता है, और आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।